नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली रिक्तियां। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के कई पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। छात्रों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावकों को रखना होगा कुछ बातों का ध्यान। कोविड-19 के माहौल के बाद से आज से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र दोबारा से स्कूल जा सकेंगे। विभागीय निर्देश के आलोक में 4 जनवरी से 9वीं से ऊपर के छात्रों की पढ़ाई सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर 50% उपस्थिति के साथ शुरू कर दी गई थी। हालांकि अब आज से 6 से 8 तक की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया गया है। हालांकि अभिभावकों को कुछ बातों का ध्यान रखने की नसीहत दी गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि स्कूल खोलने का फैसला भले ही विभाग की तरफ से लिया गया हो, लेकिन छात्रों को स्कूल भेजने का अंतिम फैसला गार्जियन को लेना है। ऐसे में छात्रों की देखभाल की जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की होगी। इसीलिए छात्रों को स्कूल भेजने से पहले माता पिता को इन बातों का ध्यान रखना होगा कि बच्चों के पास मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था है। इसके साथ ही सर्दी जुकाम से प्रभावित छात्रों को स्कूल ना भेजा जाए और अभिभावक इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चों का जिस दिन स्कूल है उसी दिन बच्चे स्कूल जाए। विधानसभा शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही अपनी बात। बीते दिन विधानसभा शताब्दी समारोह का आयोजन करवाया गया था। इस दौरान विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि सभी विधायक अपनी बात रखे, समाधान करना हमारा कर्तव्य है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने प्रजातंत्र में जनता को ही मालिक बताया है। सभी विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं और सरकार में बैठे लोग जनता के सेवक है। सभी दल सरकार के अंग है, कोई पक्ष या विपक्ष नहीं होता है। विधायक अपनी गरिमा में रहकर बात रखे, जो सही होगा उसे हम जरूर स्वीकारेंगे। हमें इस समय मिलकर आगे बढ़ना है। शेखपुरा जिले के कुसैढ़ी गांव में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुसैढ़ी गांव में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग अपने आप में अद्भुत शिव मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित यह शिवलिंग लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। इस अति दुर्लभ तथा प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन करने के लिए शेखपुरा जिला के अलावा पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। यह अपनी मन्नतों को पूरा करने वाले भगवान शंकर का एक प्रतिरूप में सर्वमान्य है। यहाँ हर महीने सोमवार को अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है, परंतु सावन महीने के हर सोमवार पर यहाँ हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोगों की मान्यता है कि इस पंचमुखी शिवलिंग में वंश वृद्धि के साथ सौभाग्य की रक्षा और वैवाहिक आकांक्षा पूरी होती है। नए निजी विद्यालयों में आधारभूत संरचना की होगी जांच। बिहार में अब स्कूली शिक्षा को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने की पहल शुरू हो गई है। इसको लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना की जांच करने वाली है। हालांकि अभी यह साफ हो गया है कि यह सुविधा फिलहाल नए विद्यालयों में ही दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस बाबत शिक्षा विभाग को अपना आदेश भी जारी कर दिया है, जिसकी जांच शिक्षा विभाग की टीम एक साथ करेगी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने CBSE के मान्यता देने के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब CBSE किसी भी स्कूल को मान्यता वहां की पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता को देखने के बाद ही देगी। इसके साथ ही इस काम में राज्य सरकार को भी लगाया जाएगा, जिसके तहत विद्यालयों की आधारभूत संरचना की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। बिहार में सरस्वती पूजा पर सुरक्षा के होंगे कड़े बंदोबस्त। सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय सुरक्षा इंतजामों में जुटती दिखाई दे रही है। अर्धसैनिक बलों के साथ ही जिलों में पुलिस के रिजर्व फोर्स की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर बैठक का आयोजन हो चुका है। बिहार सरकार के जरिए केंद्र से 3 कंपनी अर्धसैनिक बल की मांग कर चुकी है, जिसमें रैफ और एक कंपनी और अर्धसैनिक बल मुहैया करवाया जा सकता है। इन बलों को पटना के अलावा भागलपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी में से किसी 2 जिले में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। वैसे जरूरत के मुताबिक इन्हें बिहार के किसी भी हिस्से में भेजने की व्यवस्था होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सरस्वती पूजा के लिए अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति 5 दिनों के लिए होगी और यह 15 से 19 फरवरी तक के लिए की जाएगी। 5 दिनों के लिए अर्धसैनिक बलों की मांग पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी की गई है। दिल्ली की तर्ज पर पटना में भी खोलेगा मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली की तर्ज पर भी पटना शहर में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर नगर निगम की आगामी 10 फरवरी को होने वाली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। राजधानी में जहां PHC नहीं है, उन इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की योजना बनाने में निगम प्रशासन जुट गया है। पटना शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही साल 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिले की आबादी लगभग 12 लाख से अधिक बताई गई है। आबादी अधिक होने की वजह से शहर में अस्पताल की कमी अब नजर आने लगी है। अस्पताल
अस्पतालों की कमी को दूर करने के लिए ही पटना नगर निगम ने अपने इलाके में दिल्ली के तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है। 10 फरवरी को इस बाबत बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है, जिसमें खास महत्वपूर्ण एजेंडा मोहल्ला क्लिनिक ही होगा। बिहार में कोरोना के मिले 50 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 53 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 16 मामले सामने आए। इसके साथ ही सारण में 4 तो वहीं वैशाली में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर 258,925 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो वो 857 है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 99.02% है। पीएमसीएच के नए भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीएमसीएच के पुनर्विकास परियोजना के तहत नए सुपर स्पेशलिटी भवन की आधारशिला रखने वाले हैं। 5,540 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी भवन का निर्माण होने वाला है और भवन के बन जाने के बाद अस्पताल में 5,400 से अधिक बेड उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको बता दें, सुपर स्पेशलिटी के इस नए भवन को 2 चरणों में बनाए जाने की योजना बनाई गई है। इसके निर्माण में कुल 7 साल का समय लगने वाला है। निर्माण कार्य के दौरान अस्पताल में चिकित्सा सेवा प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ही 2 चरणों में इसे तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही एलिवेटेड रोड का निर्माण भी होगा। भाजपा का दामन छोड़, प्रदीप मेहता ने थामा राजद का हाथ। बिहार में दल बदल की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी दल बदलू राजनीति देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिन भी एक बड़ा बदलाव भाजपा की पार्टी में देखने को मिला, जो भाजपा के प्रदीप मेहता सहित आधा दर्जन नेताओं ने भाजपा को झटका देते हुए राजद का हाथ थाम लिया। राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक ने प्रदेश कार्यालय में भाजपा से आए सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। उसके बाद उदय नारायण चौधरी ने अपना बयान भी जारी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पटना शहर में राजद का जनाधार बढ़ गया है। प्रदीप मेहता ने आने से पार्टी को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रदीप मेहता भाजपा में किसान प्रकोष्ठ के नेता थे, जो कि पटना में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए थे। बिहार के 18 जिलों में लगाए जाएंगे हाईटेक ट्रैफिक सिग्नल। बिहार के लगभग 18 जिलों में हाईटेक ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने की योजना पर काम हो रहा है, जिसके बाद बिहार में बेवजह लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने हाल ही में दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक थाने का निरीक्षण किया था। इसके पहले उन्होंने दरभंगा स्थित BMP-13 का भी निरीक्षण किया था और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। इसी बाबत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि 21 जनवरी को अपने पद पर योगदान करने के बाद विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बिहार के 18 जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। ट्रैफिक आईजी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि पिछले साल से बिहार के कई जिलों में ट्रैफिक DSP की तैनाती की गई है और वहां पुलिस बल की संख्या भी बढ़ाकर तकरीबन 4,000 तक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन के अनुसार ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आयशा शर्मा की। आयशा शर्मा एक अभिनेत्री और मॉडल है, जो बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा की बहन है। आयशा शर्मा का जन्म 24 जनवरी 1989 को भारत के बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। आयशा शर्मा ने अपना बचपन दादा दादी के साथ ही बिताया है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली से पूरी की थी, जिसके बाद वो MIT यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग नोएडा में प्रौद्योगिकी और जैव में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने चली गई थी। आपको बता दें कि ऐसा बिहार में एक हिंदू राजनेता परिवार से ताल्लुक रखती है और पिता अजीत शर्मा बिहार के भागलपुर में एक प्रतिष्ठित राजनेता है और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी है। आपको ये भी बता दें कि आयशा परिवार में 4 भाई-बहनों में से एक है। चमोली में ग्लेशियर के टूटने से बिहार सरकार भी हुई सतर्क। बीते दिनों चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद से बिहार सरकार भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है और यही कारण है कि बिहार में भी गंगा को लेकर सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तराखंड आपदा में फंसे लोगों राहत बचाव कार्य में लगे लोगों के लिए प्रार्थना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन ट्वीट करते हुए कहा है कि इस आपदा में पूरा बिहार उत्तराखंड के लोगों के साथ है। हमारे अधिकारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। सरकार चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। 9 फरवरी को 3 जगह पर होगी BCCI की विजय हजारे ट्रॉफी के लिए चयन ट्रायल। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए चयन ट्रायल की प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिसके तहत मिली जानकारी के अनुसार 9 फरवरी को 3 जगह पर चयन ट्रायल की प्रक्रिया करवाई जाएगी। पहले बिहार क्रिकेट संघ की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि 9 से 14 फरवरी तक पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में इसका आयोजन होगा, मगर अब ट्रायल मोइनुलहक स्टेडियम, सोनपुर रेलवे स्टेडियम और जगजीवन राम स्टेडियम खगौल में सुबह 9 बजे से होने वाली है। आपको बता दें, BCCI का विजय हजारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट 20 फरवरी
से 14 मार्च तक खेला जाएगा। समय की कमी के कारण इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली बिहार टीम के खिलाड़ियों का चयन ट्रायल एक ही दिन 9 फरवरी को 3 जगह पर करवाने का फैसला लिया गया है। इस बाबत BCA की तरफ से बताया गया है कि विजय हजारे ट्रॉफी के लिए सभी टीम को अपने अपने ग्रुप के निर्धारित शहरों के आयोजन स्थल पर 13 फरवरी को एकत्रित होकर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की कही बात। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में बिहार में टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन रविंद्र भवन में पार्टी की तरफ से केंद्रीय बजट पर चर्चा करने के दौरान अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए अपनी तरफ से केंद्र सरकार के समक्ष है और इसके साथ ही वो खुद से प्रयास करने वाले हैं। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से भी इसको लेकर प्रयास करने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि केंद्रीय बजट में देश के नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बजट का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के आंदोलन को मजबूत करना है। इसके साथ ही आशा, ऊर्जा, विश्वास और आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है। देश के सभी गांव के साथ ही बिहार के सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े जाने की बात भी उन्होंने इस दौरान कही है। AES से निपटने की बिहार में शुरू हुई तैयारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में अक्सर गर्मी के शुरुआती समय में ही AES के मामले सामने आने लगते हैं। हालांकि बिहार सरकार इस बार इस मामले से निपटारा पाने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर चुकी है। मुजफ्फरपुर में इसको लेकर व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मुख्यालय ने 19 अस्पतालों के व्यवस्था का आकलन कराने का निर्देश दे दिया है। इसको लेकर एयर इंडिया को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि एयर इंडिया DM और सिविल सर्जन को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस आधार पर AES के इलाज के लिए चिन्हित अस्पतालों में बच्चों को बचाने के लिए और मुकम्मल बहाल की जाएगी। 18 फरवरी से पहले हालांकि रिपोर्ट जारी करने की बात कही गई है और जिले में AES के निपटाने के लिए सभी 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल, SKMCH और केजरीवाल अस्पताल को चिन्हित किया गया है। यहां प्रभावित बच्चों का इलाज किया जाएगा। बिहार में अब सभी मरीजों को मुफ्त में मिलेगी एम्बुलेंस सेवा। राज्य सरकार ने किसी भी मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती होने का, इमरजेंसी में सरकारी अस्पताल जाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा देने का फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार का कोई भी मरीज अब मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार कोई भी मरीज अब फ्री में 102 एम्बुलेंस सेवा जब चाहे तब ले सकता है। इसको लेकर निःशुल्क कर दिया गया है। हालांकि सिर्फ शर्त यह रखी गई है कि मरीज को इस सेवा का लाभ तभी तक मिल पाएगा जब तक वो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होने जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर सभी सिविल सर्जन को निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस का लाभ मरीजों को दिया जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। मुंगेर भागलपुर के बीच पथ निर्माण के लिए केंद्र ने दी 2 पैकेज की मंजूरी। गंगा नदी के दक्षिण बक्सर में भागलपुर के रास्ते झारखंड की सीमा तक 4 लेन पथ निर्माण परियोजना की मंजूरी का काम तेज कर दिया गया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने मुंगेर से भागलपुर के बीच 1869.27 करोड़ रुपए की लागत से 2 पैकेज में बनने वाली 57 किलोमीटर लंबी 4 लेन के काम का निविदा निष्पादन अंतिम चरण में है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने उक्त बातों की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि 918.38 करोड़ रुपए की लागत से पहले पैकेज से मुंगेर से खड़िया गांव के जंक्शन तक लगभग 25 किलोमीटर 4 लेन रोड का निर्माण करवाया जाएगा। इसी तरह पैकेज 3 में भागलपुर बाईपास की शुरुआत में रसूलपुर तक 32 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। इसमें लगभग 950.89 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे रुपेश सिंह के परिजन। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के परिजन बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे। उनके साथ रुपेश सिंह की मां, पत्नी और बड़े भाई मौजूद थे। बच्चों के साथ भी मौजूद देखी गई थी। उनके साथ DGP और SSP भी देखने को मिले थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 12 जनवरी को पटना में रुपेश सिंह की कथित तौर पर जान ले ली गई थी। वो एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। हालांकि कुछ दिनों पहले ही पटना SSP उपेंद्र शर्मा ने इस मामले का खुलासा किया है कि ऋतुराज ने रोड रेस के मामले में उनकी जान ली थी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रुपेश सिंह के परिवार वालों ने CBI जांच की मांग की है। साथ इस पूरे मामले में परिवार वालों को भी सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की बात कही गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में जर्मनी के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर 1986 में पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत आज के दिन से की गई थी। क्रिकेटर कपिल देव ने 1994 में टेस्ट मैच में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हेडली के सबसे अधिक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। ओडिशा के शिशुपालगढ़ में 2008 में खुदाई के दौरान 2500 वर्ष पुराना शहर मिला था। 1897 में देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1986 में भारतीय महिला क्रिकेट एकता बिष्ट का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1995 में आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से कल्पना दत्त ने दुनिया को अलविदा आज ही के दिन कहा था।
तेजस्वी तेजप्रताप विधानसभा के शताब्दी समारोह में नहीं पहुंचे। लालू यादव की बिगड़ती तबियत के कारण तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव बीते दिन विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने नहीं पहुंच पाए थे। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में आयोजित शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था। उम्मीद की जा रही थी कि वो 7 फरवरी को ही दिल्ली से पटना लौट आएंगे, लेकिन लौटने का कार्यक्रम 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि 8 जनवरी की रात या उसके बाद ही वो पटना पहुंचेंगे। इसका कारण यह है कि लालू यादव की तबियत ज्यादा बिगड़ गई है। अभी लालू प्रसाद का परिवार दिल्ली में ही है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबियत अभी ऐसी नहीं है कि उन्हें वहां छोड़कर अकेले आया जा सके। आपको बता दें, वर्तमान समय में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी दिल्ली में ही मौजूद है। कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास ने किसानों की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने की कही बात। कांग्रेस के बिहार प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भगचरण दास ने बीते दिन पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता के दौरान किसान आंदोलन के खिलाफ एक बार फिर से हुंकार भरी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार किसानों की लड़ाई का केंद्र बिंदु जरूर बनेगा, कांग्रेस किसानों के बीच से नेता जरूर निकालेगी। इतना ही नहीं, किसानों के मसले पर बिहार बंद होगा और पंचायत स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा। किसान आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा। बापू ने भी नील की खेती के खिलाफ आंदोलन बिहार से ही शुरू किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तीनों कृषि कानून गलत है, राम के नाम पर वोट लेकर रावण जैसा व्यवहार भाजपा सरकार को नहीं करने की नसीहत दी है। इनको वापस लें से केंद्र सरकार की मर्यादा नहीं गिरेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में हुआ बदलाव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में बदलाव हो गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनके नाम से खेत होगी। पुरखों के नाम के खेत में अपने शहर का निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र से अब काम नहीं चलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए अब आम नागरिकों को हर हाल में खेत का म्यूटेशन अपने नाम से कराना होगा। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से खास बात यह है कि इस बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए आवेदन करने वालों को अपने नाम की जमीन का प्लॉट नंबर लिखना होगा। इस बदलाव से लाखों की संख्या में किसानों को परेशानी होगी जो अभी तक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। हालांकि ये उनके लिए फायदेमंद है जिनका बंटवारा हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप चैट के लिए आने वाला है नया फीचर। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपडेट के जरिए नए फीचर जोड़ता रहता है। लेटेस्ट बीटा अपडेट में कंपनी ने एक नए फीचर की टेस्टिंग करती देखी जा सकती है। इस फीचर के तहत एक डेडिकेटेड बैज होगा जिसका इस्तेमाल ग्रुप चैट्स के लोगों को मेंशन करने के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो इस फीचर को 10 मैसेज ऑप्शन के साथ लाया जा सकता है। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने हाल ही में बीटा अपडेट जारी किया है। नई अपडेट के जरिए ग्रुप चैट में एक मेंशन बैज को जोड़ दिया गया है। फीचर को समझना बड़ा ही आसान है। व्हाट्सएप में ग्रुप चैट के दौरान जैसे ही कोई आपको मेंशन करेगा, ग्रुप सेल में एक नया बैच जुड़ जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप में काफी समय से मेंशन का ऑप्शन मिलता है, जिसके जरिए आप ग्रुप चैट में मैसेज लिखते समय किसी भी मेंबर को टैग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,160 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,160 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 89.56 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है। वहीं डीजल 82.31 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जयराम उपाध्याय, शबनम कुमारी, पुरुषोत्तम कुमार, ताराचंद कुमार, कुमार बाबू ऑफिशियल, गजेंद्र सिंह, गुनगुन कुमारी, निकेश सिंह, राजीव कुमार बाबू, रंजन कुमार, जयपाल कुमार, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, विकी कुमार, शिक्षा सुरभि, साहिल राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में सबसे साफ सुथरा जिला कौन सा है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।